The national anthem of Japan will be played followed by the national anthem of India. माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहाँ टोक्यो में मैं जापान के समस्त भारतीय समुदाय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में लाए गए मूलभूत नीतिगत पर, परिवर्तनों के कारण आज विश्व की दृष्टि नए भारत की ओर केंद्रित है जो दिन प्रतिदिन प्रगति एवं विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है आपके कार्यकाल में लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों से गांधी जी के सर्वोदय एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का सपना भी साकार करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है जिससे प्रेरित होकर संपूर्ण विश्व में फैला लगभग सवा तीन करोड़ प्रवासी भारतीय समुदाय आज एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के हर कोने में सफलता का परचम लहरा रहा है जापान में भारतीय समुदाय ने अपनी कर्मभूमि जापान के लिए बहुमूल्य योगदान दिया है और आज वे भारत में अब आपके अटल एवं ओजस्वी नेतृत्व में अपनी जन्मभूमि की उन्नति को देखकर गर्व महसूस करते हैं और इस विकास में योगदान करने के लिए उत्सुक है स्वामी विवेकानंद का सपना था कि प्रत्येक युवा भारतीय को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार जापान जाना चाहिए भारत जापान संबंधों की गहराई से यह सपना भी आज साकार हो रहा है भारत जापान विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी हमारे आर्थिक रूपांतर के लिए और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी यह यात्रा भारत और जापान के गहरे संबंधों को और भी सुदृढ़ करेगी ऐसा हमारा विश्वास है अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे आप सबको संबोधित करें धन्यवाद जापान जैसा देश आखिर सीजन का ये वातावरण और इस पर आप सभी का साथ सच में एक अद्भुत संगम है भारत में भी मंडे हो वर्किंग डे हो और सुबह नौ बजे मुझे बुलाना हो लेकिन इतने सवेरे जल्दी इतनी बड़ी तादाद में लगता है कुछ लोग रात को ही गए होंगे मैं आपके इस प्यार के लिए आपके आशीर्वाद के लिए हृदय साहब का बहुत बहुत आभारी हूं आज की मुलाकात इसलिए भी विशेष है क्योंकि जापान में बसे आप सभी स्वजनों से मुझे 2016 में मिलने का मौका मिला और उसके बाद आज मिल रहा हूं इस मौके पर सबसे पहले मैं भारत की तरफ से आप सब की तरफ से अपने परम मित्र प्रधानमंत्री सिंजो अबे को फिर से एलडीपी के प्रेसिडेंट चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत की जनता के प्रति व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति प्रधानमंत्री अबे का प्यार उनका स्नेह हमेशा से रहा है इस बार इसको एक नया आयाम देते हुए जिस प्रकार से विशेष सत्कार उन्होंने किया इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का और जापान की जनता का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ इसके साथ ही आप सभी को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ जिस तरह दिवाली में दीपक जहाँ रहता है उजाला फैलाता है उसी तरह आप भी जापान और दुनिया के हर कोने में अपना और देश का नाम रोशन करें, यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है साथियों भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरी तीसरी जापान यात्रा है और जब भी जापान आने का मौका मिला तो यहां मुझे एक आत्मीयता का अनुभव होता है और इसलिए क्योंकि भारत और जापान के बीच संबंधों की जड़ें पंथ से लेकर के प्रवृत्ति तक है हिंदू हो या बौद्ध मत हमारी विरासत साझा है हमारे आराध्य से लेकर के अक्षर तक मैं इस विरासत की झलक हम प्रतिपल अनुभव करते हैं मां सरस्वती मां लक्ष्मी भगवान शिव और गणेश सबके सामने जापानी समाज में भी मौजूद है सेवा शब्द का अर्थ जापानी और हिंदी में एक ही है होम यहां पर गोमा बन गया और तोरण जापानी में तोरी बन गया पवित्र माउंट ओतांग पर जाने वाले जापानी तीर्थयात्री जो पारंपरिक श्वेत पोशाक पहनते हैं उस पर संस्कृत सिद्धम लिपि के कुछ प्राचीन वर्ण भी लिखवाते हैं वे जब श्वेत जापानी तेंगोई पहनते हैं तो उस पर ओम लिखा होता है साथियों भारत और जापान के रिश्तों के ताने बाने में ऐसे अतीत के बहुत से मजबूत धागे हैं भारत और जापान के इतिहास को जहां बुद्ध और बोस जोड़ते हैं वहीं वर्तमान को आप जैसे नए भारत के राष्ट्रदूत मजबूत कर रहे हैं सरकार का राजदूत एक है लेकिन राष्ट्रदूत यहां हजारों है अब वो पुल है जो भारत और जापान को दोनों देशों के लोगों को संस्कृति और आकांक्षाओं को जोड़ते हैं मुझे खुशी है कि आप अपने इस दायित्व को सफलता के साथ निभा रहे हैं साथियों मेरी जब भी प्रधानमंत्री सी आबे से बात होती है तो वो भारतीय समुदाय की इतनी तारीफ करते हैं कि मन गदगद हो जाता है आप लोगों ने अपने कौशल से अपने सांस्कृतिक मूल्य से यहां बहुत सम्मान अर्जित किया है योग को आप जापान के जन जीवन का हिस्सा बनाने में सफल रहे हैं यहां के मेन्यू में आपने करी चावल जरूर ला दिया है और अब आप दिवाली भी अपने जापानी दोस्तों के साथ मनाते हैं आपने मार्शल आर्ट्स में निपुण इस देश को कबड्डी की कला भी देना शुरू कर दिया है और अब आप क्रिकेट के कल्चर को भी यहां विकसित करने में जुटे आपने जिस तरह कंट्रीब्यूट को एग्जिस्ट कॉन्कर हार्ट्स के मंत्र से जापानी दिलों में जगह बनाई है वो सचमुच में काबिल दाद है मुझे प्रसन्नता है कि तीस हजार से अधिक का भारतीय समुदाय हमारी संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है साथियों आप में से अनेक लोग स्वाभाविक रूप से भारत आते जाते रहते हैं जो काफी समय से नहीं भी गए हैं वो अखबारों के माध्यम से इंटरनेट के जरिए भारत में हो रहे परिवर्तन के बारे में जरूर जानकारी लेते होंगे आज भारत परिवर्तन के बड़े दौर से गुजर रहा है दुनिया आज मानवता की सेवा के लिए भारत के प्रयासों का गौरवगान कर रही है भारत में जो नीतियों का निर्माण हो रहा है जनसेवा के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए देश को सम्मानित किया जा रहा है अभी हाल में दुनिया की दो बड़ी संस्थाओं ने भारत के प्रयासों को सराहा है सम्मानित किया है ग्रीन फ्यूचर में योगदान के लिए यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में तो दूसरी तरफ सोल पीस फाउंडेशन ने सोल पीस प्राइज के रूप में भारत को सम्मान दिया है साथ ही सम्मान सवा सौ करोड़ जनों के प्रतिनिधि के रूप में भले ही नरेंद्र मोदी को दिया गया हो लेकिन मेरा योगदान माला के उस धागे जितना ही है जो मनकों को पिरोता है और संगठित होकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है हमारा देश आप जैसे एक से एक हीरो से मोतियों से भरा पड़ा है सिर्फ एक संगठित प्रयास की आवश्यकता थी जो हम बीते चार वर्षों से कर रहे हैं सामूहिकता की जन भागीदारी की इसी शक्ति को आज दुनिया पह, पहचान दे रही है आज पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए विश्व शांति के लिए भारत की भूमिका अग्रणी है मैं सोल पीस प्राइज की जूरी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मोदी नॉमिक्स की प्रशंसा की है उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मोदी नॉमिक्स के बजाय ये इंडोनॉमिक्स का सम्मान है सरकार का मुखिया होने के नाते मैं वही कह रहा हूं जो भारत की संस्कृति भारत की परंपरा रही है वसुधैव कुटुंब कम और सर्वे भवंत सुखिन सर्वे संतु में के हमारे पुरातन मूल्यों के प्रति हम सब समर्पित है हमारी सरकार ने तो सिर्फ इतना बदलाव किया है कि दुनिया को भारत के चश्मे से ही देखा जाए और चश्मों से भारत को मत देखिए हमारी सरकार इंडियन सॉल्यूशन ग्लोबल एप्लीकेशन की भावना के साथ निरंतर काम कर रही है हम पहले भारत की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और फिर उस मॉडल को दुनिया के दूसरे देशों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं साथियों आपको ये जानकर गर्व होगा कि जनधन आधार और मोबाइल यानी जे ए एम जेम की टीनिटी से जो ट्रांसपेरेंसी भारत में आई है उससे अब दुनिया के दूसरे विकासशील देश भी प्रेरित हो रहे हैं भारत में बनाए गए इस सिस्टम की स्टडी की जा रही है इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन की हमारी आधुनिक व्यवस्था जैसे भीम ऐप और रुपे कार्ड इनको लेकर भी दुनिया के अनेक देशों में उत्सुकता है मुझे बताया गया है कि जापान भी अब लेस कैश इकोनॉमी की तरफ प्रयास करके आगे बढ़ रहा है आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत आज इस दिशा में बहुत आगे निकल चुका है बीते चार वर्षों के दौरान ही यूपीआई भीम और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यमों से डिजिटल लेन देन में करीब करीब सात गुना की बढ़ोतरी हुई है वहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन को भारत नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है और गांव गांव तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फाइनेंशियल सर्विसेज की होम डिलीवरी की जा रही है आपने बचपन में डाकिया देखा है अब वो डाकिया बैंकर बन रहा है साथियों आज भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है गांव गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच रही है और 100 करोड़ से भी अधिक मोबाइल फोन आज भारत में एक्टिव है कभी कभी तो कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या से ज्यादा मोबाइल फोन है भारत में एक वन जीबी डेटा वन जीबी डेटा कोल्ड ड्रिंक की एक छोटी सी बोतल से भी सस्ता है यही सस्ता डेटा आज सर्विस डिलीवरी का प्रभावी माध्यम बन रहा है वहीं मेक इन इंडिया आज ग्लोबल ब्रांड बनकर के उभरा है आज हम न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हैं विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत ग्लोबल हब बनता जा रहा है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में तो हम नंबर वन बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं साथियों मेक इन इंडिया की सफलता के पीछे वो माहौल है जो बीते चार वर्षों में बिजनेस के लिए बना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हमने 40 अंकों से अधिक की छलांग लगाई गो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में हमने इस वर्ष भी पांच पायदान का सुधार किया है वहीं इनोवेशन के मामले में तो हम आज हम दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो चुके हैं यही कारण है कि भारत स्टार्टअप के मामले में दूसरा बड़ा इकोसिस्टम बना है साथियों भारत में जो भी इनोवेशन हो रहे हैं जो भी समाधान तैयार हो रहे हैं वे सस्ते तो है ही गुणवत्ता के मामले में भी उत्तम है भारत का स्पेस प्रोग्राम इसका बेहतरीन उदाहरण है भारत दुनिया के अनेक देशों प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट बहुत ही कम खर्च पर आज स्पेस में भेज रहा है पिछले वर्ष ही हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ सौ से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया था हमने बहुत ही कम खर्च में चंद्रयान और मंगलयान अंतरिक्ष में भेजा अब 2022 तक भारत गगनयान भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है और ये गगनयान पूरी तरह से भारतीय होगा और इसमें अंतरिक्ष में जाने वाला भी भारतीय ही होगा साथियों जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक ऐसे अनेक परिवर्तन आज भारत में हो रहे हैं इन्हीं परिवर्तनों के चलते आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना है इन्हीं बदलावों को देखते हुए दुनिया की तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि आने वाले दशक में दुनिया की ग्रोथ को भारत ड्राइव करेगा भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में जापान का आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है बुलेट ट्रेन से लेकर के स्मार्ट सिटी तक आज जो न्यू इंडिया का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसमें जापान की भी भागीदारी है भारत की मैन पावर भारत की यूथ पावर को भी जापान की स्किल का लाभ मिल रहा है साथियों में आप सभी को न्यू इंडिया के निर्माण में आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित करता हूं भारत में निवेश और इनोवेशन के लिए आज उपयुक्त अवसर तो है ही साथ में अपनी जड़ों के साथ सक्रियता से जुड़ने का भी ये महत्वपूर्ण समय है जापान में बसे भारतीयों ने जापानी दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा से ही देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है स्वामी विवेकानंद जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत की आजादी के आंदोलन को जो सहयोग जापान से मिला है वो करोड़ों भारतीयों के दिल में हमेशा हमेशा रहेगा हमारे संबंध भविष्य में और घनिष्ठ हो हमारी साझेदारी और मजबूत हो इसके लिए हम सभी को निरंतर प्रयास करने हैं मैं आज आपको इस मंच से अगले साल जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस और अर्ध कुंभ के लिए भी आमंत्रित करता हूं प्रवासी भारतीय दिवस तो इस बार वाराणसी में होगा जहां की गंगा आरती देखकर प्रधानमंत्री अभी भी मंत्र मुग्ध हो गए थे और वाराणसी आने का निमंत्रण मैं रूबरू आकर के इस दे, दे रहा हूं क्योंकि मैं वहां का सांसद हूं तो एक प्रकार से आप सब मेरे मेहमान है दो दिन बाद विश्व के मानचित्र पर भारत अपनी एक और नई पहचान स्थाई करने वाला है 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है सरदार साहब की जन्म जयंती तो हम हर बार मनाते आए हैं लेकिन इस बार पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित होने वाला है क्योंकि सरदार साहब की जन्मभूमि गुजरात की धरती पर सरदार साहब का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बन रहा है और ये इतना ऊंचा है इतना ऊंचा है कि समझने के लिए मैं कहूंगा ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डबल ऊंचा है सर साहब सरदार साहब की प्रतिभा जितनी उतनी थी ऊंची थी प्रतिमा भी उतनी ही ऊंची बनेगी हर हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू हिंदुस्तान की धरती पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर को इसका लोकार्पण होगा मुझे विश्वास है आप जब भी भारत आएंगे आपके जापान के मित्र भारत आएंगे तो आप अवश्य उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे ऊंचे स्टैचू को देखने के लिए जाने के लिए जरूर प्रेरित करेंगे ये भी मेरा आपसे आग्रह रहेगा अंत में फिर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में सुबह सुबह आए इसके लिए भी हृदयपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद